नमस्कार दोस्तों, विवेक टिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विवेक कुमार और मेरे पास है यहाँ पर रियलमी C2 और सैमसंग गैलेक्सी A10। मैं करने वाला हूँ दोनों ही फ़ोन का स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर दोनों ही फ़ोन के प्रोसेसर और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसके लिए हम चलते हैं सेटिंग में, अबाउट फ़ोन में जाकर चेक करते हैं दोनों ही फ़ोन में क्या क्या सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों ही फ़ोन में आपको मिलेगा यहाँ एंड्रॉयड का लेटेस्ट ऑपरेटिंग वर्जन पाई। बात करें दोस्तों दोनों ही फ़ोन में यहाँ पर हम प्रोसेसर की, तो रियलमी C2 में आपको मिलता है हीलियो P22 2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, साथ ही 3 GB रैम, 32 GB इंटरनल मेमोरी। वहीं सैमसंग गैलेक्सी A10 में मिलता है एक्जीनो 7884 1.6 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज। तो ये कोई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात। अब हमने यहाँ पर स्पीड टेस्ट के लिए दोनों ही फ़ोन में चार थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड किए हुए हैं। हम इनको प्ले करके देखेंगे और देखेंगे किस फ़ोन का परफॉर्मेंस यहाँ पर रहता है फास्ट। तो दोस्तों प्ले करते हैं अपना फर्स्ट एप्लीकेशन 8 Volt Pool और देखते हैं किस फ़ोन में यहाँ पर जल्दी लोड होता है। क्विक रेस्पॉन्स दोनों ही फ़ोन का यहाँ पर कमाल का था। और अब बात करें गेम प्ले होने की, तो फिलहाल दोनों ही फ़ोन में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है और फाइनली यहाँ पर ये रियलमी C2 में थोड़ा सा फास्ट यहाँ पर लोड हो गया है। और बात करते हैं अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन की, बबल शूटर नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा, और ये देखते हैं यहाँ पर किस फ़ोन में जल्दी लोड हो जाता है। तो फिलहाल ये मेरे को A10 में जल्दी लोड होते हुए दिख रहा है और बिल्कुल ये गैलेक्सी A10 में जल्दी लोड हो गया है एज़ कम्पेयर टू रियलमी C2। बात करें नेक्स्ट एप्लीकेशन की, MP10 हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है। ये देखते हैं किस फ़ोन में यहाँ पर जल्दी लोड हो जाता है और ये भी मेरे को यहाँ पर A10 में जल्दी लोड होते हुए दिख रहा है और बिल्कुल ये भी गैलेक्सी A10 में जल्दी लोड हो गया है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन की, लास्ट एप्लीकेशन हमारा Temple Run 2, और ये भी देखते हैं किस फ़ोन में यहाँ पर जल्दी लोड होता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये भी A10 में यहाँ पर जल्दी लोड होते हुए मेरे को दिख रहा है और बिल्कुल ये भी गैलेक्सी A10 में जल्दी लोड हो गया है एज़ कम्पेयर टू रियलमी C2। तो दोस्तों ये तो कोई स्पीड की बात, एक एप्लीकेशन को छोड़ दें बाकी सारे एप्लीकेशन A10 में यहाँ पर जल्दी लोड हुए हैं, यानी कि स्पीड के मामले में A10 आगे है। अब बात करें हम रैम मैनेजमेंट की, तो देखते हैं किस फ़ोन के बैकग्राउंड पर कौन सा एप्लीकेशन बना हुआ है। फर्स्ट एप्लीकेशन दोनों ही फ़ोन के रैम पर बना हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन चलते हैं हमारा किस फ़ोन के बैकग्राउंड पर यहाँ पर बना हुआ है, ये भी चेक कर लेते हैं हम। तो दोस्तों नेक्स्ट एप्लीकेशन था हमारा बबल शूटर और वो देखते हैं यहाँ पर किस फ़ोन के बैकग्राउंड में बना हुआ है। तो टैप करते हैं बबल शूटर पर और जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर यहाँ पर बना हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की, नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा MP Run और ये देख लेते हैं किस बैकग्राउंड बना हुआ है, ये भी दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर अभी भी बना हुआ है। लास्ट एप्लीकेशन हमारा Temple Run 2, ये भी चेक कर लेते हैं किस बैकग्राउंड बना हुआ है, तो ये भी दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। यानी कि यहाँ 2 GB और 3 GB रैम मायने नहीं रखती, अभी फ़िलहाल दोनों ही फ़ोन के रैम पर एप्लीकेशन बने हुए हैं। हम कुछ और एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, दोनों ही फ़ोन में नेटिव एप्लीकेशन है, फ़ोन मैसेज और एक कैमरा भी ओपन करूँगा मैं, और फिर चेक करेंगे यहाँ पर किस फ़ोन का रैम मैनेजमेंट यहाँ पर अच्छा है। तो अब चलते हैं अपने फर्स्ट एप्लीकेशन की तरफ वापस 8 Volt Pool और चेक करते हैं किस फ़ोन पर बना हुआ है। तो ये यहाँ पर गैलेक्सी A10 के बैकग्राउंड से अब हट गया है। बात करें नेक्स्ट एप्लीकेशन की, बबल शूटर हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन था और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये भी गैलेक्सी A10 के बैकग्राउंड से यहाँ पर हट गया है और रियलमी C2 के बैकग्राउंड पर अभी भी बना हुआ है। बात करें नेक्स्ट एप्लीकेशन की, यहाँ पर MP Run हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन था, तो ये भी यहाँ पर गैलेक्सी A10 के बैकग्राउंड से हट गया है। लास्ट एप्लीकेशन और चेक कर लेते हैं Temple Run 2, वो भी देखते हैं किस फ़ोन के बैकग्राउंड पर बना हुआ है, तो ये भी यहाँ पर गैलेक्सी A10 के बैकग्राउंड से हट गया है। तो दोस्तों रैम मैनेजमेंट, क्योंकि रियलमी C2 में 3 GB रैम है इसलिए उसका कमाल का है, लेकिन स्पीड के मामले में गैलेक्सी A10 यहाँ पर आगे रहा। तो दोस्तों ये था हमारा रियलमी C2 और सैमसंग गैलेक्सी A10 के बीच स्पीड टेस्ट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।